हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का फार क्राई 5 के एक नए प्ले थ्रू में। तो हमारे लास्ट प्ले थ्रू में मैं थोड़े से साइड क्वेस्ट कर रहा था। बेसिकली साइड क्वेस्ट भी करी थी, प्लस हमने जॉन से भी मुलाकात करी थी दोबारा। Can't think. My neighbor told me the cult's trying to make more powerful drugs at the old conservatory. That stuff already turns people into monsters. I don't want to think about what it could do next. Okay, तो बेसिकली ऐसे करके हमें आउटपोस्ट वगैरह की लोकेशन मिलती रहती है जिनको मैं एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो बेसिकली इस लोकेशन में सब कुछ ही कर चुका हूँ, सिर्फ साइड क्वेस्ट और मेन क्वेस्ट को छोड़ के। और यार मुझे लगता है ना ये मेन क्वेस्ट भी काइंड ऑफ साइड क्वेस्ट जैसी ही है, क्योंकि इसका ऐसा स्टोरी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है खाली इसमें बस ये करते हैं हम कि हमें रेजिस्टेंस पॉइंट मिलता है ये करने पर, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसकी स्टोरी का, इनडायरेक्ट कनेक्शन है बेसिकली। तुम ऑलरेडी देख सकते हो ऑफलाइन खेल के मेरा 12,900 हो गया है रेजिस्टेंस पॉइंट्स, तो होना ही वाला है बस हमारा। बस अगर हम एक मेन मिशन कर लेंगे ना, लाइक ये वाला या ये वाला, कोई सा भी जहाँ पर ये वाला आ रखा है, तो आई थिंक हमारा रेजिस्टेंस, हमारा जॉन रीजन का बॉस फाइट खुल जाएगा बेसिकली। और यूजुअली जिसके ऊपर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ना, कोई भी एनपीसी है, अगर उससे बात करते हैं ना तो वो आउटपोस्ट वगैरह की लोकेशन या कुछ ना कुछ लोकेशन देता ही रहता है। तो ट्रेजर चेस्ट वगैरह की लोकेशन में सारी कंप्लीट कर चुका हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो सारा कंप्लीट है। तो बेसिकली हमें सारे साइड क्वेस्ट और काइंड ऑफ ये भी मेन क्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन गोल खाली रेजिस्टेंस पॉइंट एक्वायर करना है, जो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फिर भी मेरे को लगता है गेम के डेवलपर्स ने ना अननेसेसरी बहुत सारे क्वेस्ट डाल रखे हैं गेम में। देखो यहाँ पे भी क्वेस्ट है, यहाँ पे भी क्वेस्ट है। और नेक्स्ट मैप के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ आउटपोस्ट वगैरह ओपन कर लिया एनपीसी से बात कर करके तो ये बड़ा सही चीज़ है। मतलब बेसिकली मुझे नई लोकेशन में जाके एनपीसी को ढूंढ के बात नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इस एपिसोड में क्या करने वाले हैं, कोशिश करूँगा हमारे ये जॉन का तो खुल ही जाए, मतलब जॉन को हम निपटा ही दें इस एपिसोड में। तो उसके लिए कोई इन दोनों में से कोई सा भी कर लेते हैं क्वेस्ट, देखते हैं क्वेस्ट है क्या वैसे। ओके ये वाली कर लेते हैं, ये पास में है। Shut up just in time. You got some balls rolling into town like that. Most folk take one look at Eden's Gate and turn the other way. The ones that don't get taught a hard lesson. My dad was one of the first to stand up to him. Anytime the Peggy's... Where you going? I was wondering when you were gonna... Arey, quest ko cancel ho gaya. मेरे को move नहीं करना. Oh, my dad was one of the first to stand up to him. Anytime the Peggy's showed up looking for trouble. Dad would hop in his big rig and chase him out of town. He loved that truck. Called it the Widowmaker. And those fuckers stole it from him a week before he passed. Shit, you really want to piss off the cult? Get the Widowmaker back. Show the cult we're not just gonna roll over. And give the folks here something to cheer about. It's locked up under guard at a grain elevator east of here. But I think you're just the person for the job. Damn, I can build my own levels. Okay, तो ऐसी क्वेस्ट है बेसिकली ये। अच्छा मैं समझ गया, तो कुछ क्वेस्ट में ना बेसिकली ये जो जितने भी मेरे को लग रहा है मेन क्वेस्ट है, इसमें या तो हमें कोई व्हीकल मिल जाएगा या कोई नया वेपन अनलॉक हो जाएगा बेसिकली। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए दिखा दूँ, मैंने एक साइड क्वेस्ट करी थी और उसमें से हमें ना एक व्हीकल अनलॉक हो गई थी बेसिकली। ओके वो व्हीकल कौन सी थी? आई थिंक वो ये थी, एसयूवी थी वो। हाँ ये देखो, ये बेसिकली हमें बाई करनी पड़ती है, लेकिन मैंने एक साइड क्वेस्ट करी थी और उसमें अपने आप ही अनलॉक हो गया था। आई थिंक वो चेस्ट वाली ही क्वेस्ट थी और वो किसी गराज के आसपास थी, तो उस गराज के अंदर ये व्हीकल थी, तो ये व्हीकल मेरे को मिल गई थी बेसिकली किम्बरलाइट टीसीएस कस्टम पे। तो बेसिकली आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें या तो हमें मतलब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पॉइंट्स तो मिलेंगे, प्लस हमारे कुछ व्हीकल्स वगैरह अनलॉक हो जाएंगे बेसिकली। ये देखो इससे हेल्प हर कैन फोर्ट ड्रूपमान इन वाइट टेल माउंटेन्स टू अनलॉक दिस व्हीकल। तो बेसिकली वो जितने भी क्वेस्ट है ना उसमें खाली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, कोई वेपन या कोई व्हीकल वगैरह ही अनलॉक होने वाली है। तो वो काइंड ऑफ मेन क्वेस्ट नहीं है, वो काइंड ऑफ ना स्टोरी से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है एक तरीके से, बस उसमें हमें कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं रेजिस्टेंट पॉइंट्स के साथ, और साइड क्वेस्ट में खाली हमें रेजिस्टेंट पॉइंट्स ही मिलते हैं बेसिकली। देखो जैसे कि ये इसका भी इसके क्वेस्ट का नाम क्या है, पैस्टर जेरोम जेफ्रीज। आई थिंक इसमें कुछ हमें अलाइज मिल जाएंगे। अच्छा उस लेडी ने कहा था कि हमें वो व्हीकल रिट्रीव करनी है। यहाँ पे ना ऑलरेडी क्वेस्ट चालू ही है हमारे। बीच बीच में ना डच जो है जिसने हमें बचाया था फ्रॉम दी फर्स्ट एपिसोड, वो हमें कांटेक्ट करके ना कुछ 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 इन्फॉर्मेशन देता ही रहता है। तो न्यू इन्फॉर्मेशन में से एक क्वेस्ट वहाँ पर है। ओके तो ये क्वेस्ट भी नहीं है बेसिकली, आई थिंक इसमें खाली हम कॉन्वर्सेशन ही करेंगे, और मे बी अगर चाहे तो उन्होंने वो हमें लोकेशन दे देंगे बेसिकली, ऐसे ही कुछ लग रहा है मेरे को। क्योंकि उसने हमें कहा कि हमें विडोमेकर वापस लाना पड़ेगा, लेकिन उसकी लोकेशन नहीं दी उसने, एटलीस्ट इस मैप में तो नहीं है। यहाँ पे देख लेते ना। अच्छा काफ़ी सारे पर्क पॉइंट मिल गए थे, तो मैंने काफ़ी कुछ अनलॉक किया, जैसे कि एक्स्ट्रा अब मैं इंसेंडरी एरो, एक्सप्लोसिव एरो कैरी कर सकता हूँ। मैंने अपना हेल्थ बूस्ट कर लिया, 150% कर लिया मैंने अपनी हेल्थ, एंड यही सब किया था। और तो बाकी समय आई थिंक दिखा चुका हूँ। मुझे एक एक वेपन चलाना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि उन पे पर पॉइंट मिलना है बेसिकली हमें। लॉन्ग रेंज स्किल्स हो गए जैसे कि ये, तो आई थिंक 150 मीटर है, आई थिंक स्नाइपर से हो जाएगा। मैंने कुछ एनिमल्स भी बीच में हंट किए थे, देखो जैसे कि इसका काउंट दिखा रहा है, वो इस मैंने 4 कर चुका हूँ। मतलब हंट भी नहीं किए थे, वो मेरे वही आके अटैक कर रहे थे मेरे पे, तो मैंने वो मार दिया था उनको बेसिकली। मिशंस का जर्नल भी होगा ना, ये रहा। तो ये है स्टोरी मिशन राइट, जो इसमें दिखा रहा है बेसिकली। मैं स्टैश वाले तो सारे ही कर चुका हूँ इस लोकेशन में। देखो आउटपोस्ट भी दिखा रहा है जो अनलॉक हो गए थे। ये साइड क्वेस्ट थी बेसिकली, लाइट देम अप। हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे 200 रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाएगा हमें, और हमें आई थिंक 100 ही चाहिए था रेजिस्टेंस पॉइंट राइट। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा करना है। ओके ये वाला तो दूसरे मैप में था राइट, ये मुझे याद है, ये वाला दूसरे मैप में था। आई थिंक 900 पॉइंट्स मिलेंगे। वाइट टेल माउंटेन्स ईडिंग हैज केम टू बैरन लब्बर मिल एंड इज होल्डिंग कैप्चर प्रिजनर्स देयर अंटिल दे आर रेडी फॉर जेकब इंडोक्ट्रिनेशन। अच्छा ये जेकब के मैप का है, और ये होप के मैप का है, उसमें लिखा है ना होप काउंटी जेल। तो हम यही कर लेते हैं, आई थिंक इससे हमारा हो जाएगा। क्या चाहे तो इससे बात करके देख लेते हैं। I give thanks to the Lord every day for bringing you and I together. I'm glad you're looking to do more here. We need you. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance is being that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. Okay, इसका एक quest दिया इसने, ये कर लेता है। मैं main quest ही चाह रहा था बेसिकली। Okay, इसी map में लगेगी तो हम कर सकते हैं। यहाँ से चलते हैं। तो कुछ कॉन्वर्सेशंस में बेसिकली वो बोलेगी कि एक ट्रक है तुम्हें उसे रिट्रीव करना है, लेकिन आई थिंक वो मिशन बहुत बाद का है, वो अभी अनलॉक नहीं होगा। मे बी किसी और मैप को मुझे वो अनलॉक करना पड़ेगा पहले, आई थिंक तब जाके वो मिशन मिलेगा हमें। आई थिंक ऐसा कुछ सीन है, वो आई थिंक इस लोकेशन का नहीं था वो मिशन, वरना वो ओपन हो जाता, उसकी लोकेशन दिखा देता वो, जब मैंने उससे बात करी थी। ये इस लोकेशन में तो दिखा रहा है एटलीस्ट। वैसे नाम के लिए ही आई थिंक वो स्टोरी मिशन है, लेकिन वो भी साइड क्वेस्ट जैसा ही है, बस उसमें ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस पॉइंट्स मिलेंगे स्टोरी मिशन के नाम पे। मुझे उसके अलावा तो मुझे और कोई ऐसा मेजर डिफरेंस तो दिखा नहीं ऑनेस्टली। चलते ही हैं वहाँ पे। गाड़ी आ रही है, गाड़ी भी नहीं है, प्लेन है। ये प्रॉब्लम है पता है, वो ऊपर से ना राउंड मारते रहते हैं। तो ये मुझे वहाँ से देखना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी हाइट है, वहाँ से थोड़ा सा मैं मुआना अच्छे से कर पाऊँगा। अरे बाप रे, देख लेंगे। दिन के टाइम पे यही प्रॉब्लम है ना, वो दूर से भी देख ही लेते हैं, और उन पे डॉग्स भी हैं। ओके, एक और देख दिया। ओके, हैवी है, उसको मेरे को स्टेल्थ किल करना पड़ेगा। वो से मरेगा नहीं एक शॉट में, और वो अगर वो अलर्ट हो गया ना तो वो सीधा जाके हॉस्टेजेस को मार देगा। ओके, वहाँ डॉगी भी है, और बंदे कहाँ हैं? ओके, 3 हॉस्टेजेस बोला था, एक दिख रहा है मेरे को और 2 ही दिख रहा है बस, वहाँ पर एक है। ओके, मे भी घर के अंदर होगा। अब ये प्रॉब्लम है, घर के अंदर है तो अरे ये रहा, मुझे लग ही रहा। एक तो निपट गया। लगी रहता है अंदर। भाई तू अटैक मत करने लग जाइयो, मेरा पूरा स्टेल्थ मिशन फ्लॉप हो जाएगा। अरे विडोमेकर का वो खुल गया मिशन, वाओ। बहुत ओपन हूँ, मरने वाला था मैं। मेरे भाई मैं बहुत बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। कहाँ पर है शॉटगन चला रही, बताओ। आई थिंक मर गई, एक ही बचा है। तो स्टोरी मिशन अनलॉक हो गई, देखो होती है अब। ओके, तो हमारा खुल गया फाइनली। अब हम जाके जॉन को निपटा सकते हैं बेसिकली। मैं ऑफलाइन ना ये जो मिशन है ना ये कर लूँ, मे बी इनमें मेरे को कुछ नए वेपन्स या कुछ नए व्हीकल्स वगैरह अनलॉक हो जाए बेसिकली, तो ये मैं कर लूँगा। आई थिंक उसके अलावा मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, काफ़ी सारे मिशंस थे मेन वाले ऐसे वाले, अब वो कम हो गए मैप में, राइट? मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, है ही नहीं अब, देखो नहीं दिख रहे। तो कुछ सेलेक्टेड वाले हैं आई थिंक, इनमें हमें व्हीकल मिल सकते हैं या वेपन मिल सकता है। तो मेरा अंदाज़ा सही था, तो मिशन इसलिए दे रखे ताकि हम रेजिस्टेंस पॉइंट तक पहुँच जाए। एक बार वो हो जाएगा ना उसको, वो फालतू मिशन अपने आप हट गए सारे। साइड क्वेस्ट भी आई थिंक कुछ गिने चुने ही हैं, फिर भी काफ़ी सारे हैं, मैं कर लूँगा। चलो ऑफलाइन में भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाए कुछ। तो अभी यहाँ चलते हैं, राइट? मैं ट्रैक कर लगाता हूँ, मैं फास्ट ट्रैवल भी कर सकता हूँ। पता नहीं यार वहाँ पे क्या होगा, मैं ना ट्रैवल करके जाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, मे बी पूरा ऑल द वे जाके ट्रैवल ना करूँ, बट ऐसा तो जा ही सकता हूँ। थोड़ा यहाँ से चल लेते हैं। मैं भूल गया था कि गैस स्टेशन में समटाइम्स व्हीकल रहती नहीं है। वहाँ चॉपर है, मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ आई थिंक भाग के। मैं फास्ट ट्रैवल कर लेता, इससे अच्छा है अगर मेरे को भागना पड़ता तो। एटलीस्ट गैस स्टेशन है तो गाड़ी तो एक होनी चाहिए ना वहाँ पे। अरे कौन देख रहा है, चॉपर है वहाँ पे। उसके बाद चेस्ट लोकेशन है, उसको डायमंड का सिंबल आ रहा है उसके ऊपर। चलो बाद में कर लेंगे। ओके पहुँच गए। वो है ना स्लिंग शॉट निकाल लेता अपना। मीट जॉन सीड, अच्छा मिलना ही था डायरेक्ट, तो मैं फास्ट ट्रैवल ही कर लेता। अरे तो विलेज ही है जहाँ सबसे पहले जिसको मैंने हेल्प करी थी आई थिंक। उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया, मैंने नोटिस नहीं किया था पहले, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। ये देखो कि वो मेन विलेज ही तो है जहाँ पे वो शॉप रहती है और ओके देखते क्या गेम खेल रहा है। Hold still. It's supposed to say wrath, not rat. Sin. must be exposed so it may be absolved. If we hide our sin, we hide ourselves. You will not hide any longer. Your true self spilled out on this floor for all to see. Perfect. If Muhammad won't come to the mountain, then bring the mountain to Muhammad. Let's begin. Your atonement easier. Our devoted. We are gathered here to bear witness. You son of a bitch! Oh. Let's try that again. Devoted. We are gathered here to bear witness. Oh, devoted. We are gathered here to bear witness. To those willing to atone for their sins. To those willing to atone for their sins. Will you, Nick Rye, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Nick Rye? Oh, fuck that. No. I ain't never given in to that psychopath. There it is. Greed. Always thinking of yourself. जिसकी वाइफ को पकड़ रखा होगा ना निक आज की वाइफ प्रेग्नेंट भी तो थी. हमने पिछले प्ले थ्रू में इसकी हेल्प करी थी. चमड़ी निकाल ली. Place your hand upon the word of Joseph. Will you, deputy, place your hand upon the word of Joseph? Renounce your sins and admit your transgressions. Renounce your sins and admit your transgressions. Say yes. It's just one word. बोलना है या छोड़ दूँ? मतलब अच्छा मैंने बोला नहीं. तो ओ शेट भाई. अच्छा वो बोलेगा ही बोलेगा कि मेरे को बोलना ही पड़ेगा. मेरे को ऑप्शन नहीं है. बोल ही देते हैं. ओ कान उसे कान में बजा दिया भाई हमने. अबे गाड़ी चला कौन रहा है? हाँ चला रहा है। मैं वही सोचूं भाई, मैं डायरेक्ट चलाने को बोला तो गाड़ी कौन चलाएगा भाई। अच्छा अपने ही बंदे थे वो। ये गाड़ी इतनी अटक अटक क्यों चल रही है? प्लेन पे फोकस है मेरा तो। चार पर्क मिल गए हो और तू भी हट जा। अच्छा प्लेन तो ने तो पीछे छोड़ दिया है। अरे वो भाग रहा है ना। राइट टू जॉन ब्रांड सीड, जॉन सीड रहा है। ये तो अपना ही आउटपोस्ट था, हमने कैप्चर कर तो लिया था। अच्छा हमें चेस करना है उसको भाई। हवा में फाइट हो गया फाइनली। कौन है भाई? कहाँ से अटैक हो रहा है? अबे दिखाई दिखाई अब मजा आएगा ना बेटा। वही सोचा यार, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया नीचे बहुत। मैं चेस तो कर लूँगा उसको, उतनी दूर नहीं भाग पाऊंगा। मज़ा आ गया। रॉकेट भी चला सकता हूँ मैं। मेरे आगे बाजू घूम रहा है क्या वो राधिया? अबे भाई ये तो बड़ा हरामी है। वो मेरे पीओ में आ ही नहीं रहा है। ये देखो ये कर रहा है। अबे भाई उसने ही मार दिया मेरे को। बताओ लो ये क्या मजाक था भाई। ये WA इसकी पोजीशन वियर्ड है ना, ऐसे वो ऊपर की तरफ उड़ता है और W से नीचे की तरफ वो उड़ता है। मेरा तो मेरे को कंट्रोल चेंज करने पड़ेंगे। एटलीस्ट कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। ऐसे ही करता हूँ, मैंने कंट्रोल चेंज कर देता हूँ उसके काम करता हूँ क्योंकि वो वियर्ड हो रहा है बहुत, इसमें हिसाब नहीं बैठ रहा। अबे कहाँ पे वो किया है, कहाँ भेजा है ये सीड रैंच? मुझे तो यहाँ जाना है ना, यहाँ पे प्लेन मिलेगा मेरे को। अबे क्या ये क्या ग्लिच है भाई, यहाँ आओ ना, उधर ही तो प्लेन मिलेगा हमें। ये बड़ा वियर्ड ग्लिच है यार ये तो। ओके यहाँ अब आया ना प्लेन। मैं सबसे पहले कंट्रोल चेंज कर लेता हूँ, कीबोर्ड एंड माउस, यस प्लेन। ठीक है राइट, आप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पिच अप पे पिच डाउन, ठीक है सही हो गया। हाँ अब ठीक है ना। अरे यार सीधा उड़ना, ये तो बहुत टफ कर रखा है भाई, ये कैसे होगा? और मेरे प्लेन से धुआं भी निकाल दिया भाई इन्होंने धुआं भी तो निकल गया। भाई ना के बराबर डैमेज हो रहा है उसको, ना के बराबर। मेरे प्लेस भाई वो मर ही नहीं रहा, वो मर ही नहीं रहा, वो हवा में पता नहीं क्या कर रहा है वो। ये तो बहुत मुश्किल है यार प्लेन, क्योंकि वो बार बार मूव कर रहा है ना, उस पे एम तो ऐसा होगा ही नहीं। फिर या तो कोई मेरे साथ जो प्लेन चलाए और मैं गन चलाऊं, पीछे टर्रेट है ना, क्योंकि मैं वैसे टर्रेट से मार सकता हूँ उसको। ये तो बहुत टफ है यार। आई थिंक मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ओके, निक बोल रहा है वो हमारी मदद करेगा। आई थिंक ये क्लू है, मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बेसिकली। ये रहा ना, ये रहा, मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। ओके, वो प्लेन लेके आ गया निक अपना बेसिकली, तो आई थिंक यही करना था हमें। अब मुझे मार्कर लगाना बेसिकली, एक बार मैंने मार्क लगा दिया ना उस पर तो निक संभाल लेगा। एक बार प्लेन दिख जाए, एक बार प्लेन दिख गया ना, मैं मार्क लगा दूंगा उसको। की पोजीशन चेंज करके ना मैंने गड़बड़ कर दी। ये देखो, देखा उस पर टर्रेट बंदा बैठा हुआ, टर्रेट चला रहा था उसका। मैं दोबारा मरने वाला हूँ। प्लेन नहीं चल रहा, मेरा प्लेन हैंग हो गया, शेड में मरने वाला हूँ। अबे यार ये तो बहुत टफ है यार, निक को बुलाने के बाद भी यही चीज हो रही है। कैसे होगा भाई? हाँ यार, इतना टफ क्यों कर रखा है ये मिशन? मुझे प्लेन की पोजीशन दोबारा वैसी करनी पड़ेगी कंट्रोल, क्योंकि वो हिसाब नहीं उठा पा रहा मैं सही तरीके से। अरे यार इतना टफ क्यों कर रखा है यार ये? शिट भाई, वैसे उड़ाने में फन है प्लेन, लेकिन ऊपर फाइट दे रखी है। अगर मैं समझ तो गया मुझे क्या करना है। अबे मैंने अनअसाइन क्यों कर दिया? अरे मैं भूपड़ हूँ। उस पे गड़बड़ कर दी मैंने। अरे वो अनेबल ही था पहले से। क्या यार, एक तो ये चढ़ेगा नहीं इस पे। इंजन बंद हो जाता है राइट। अगर इसको बुलाऊंगा नहीं तो फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। मुझे बुलाना पड़ेगा इसको। आजा किया भाई। अबे क्या ये क्या हो रहा है भाई? मैं कर क्यों नहीं पा रही मिशन? इतना टफ क्यों दे रखा है ये? अबे यार इसे अच्छा मैं चॉपर ना उड़ा लूं मैं क्या यार? कितनी बार करना पड़ेगा मेरे को ये शेट? भाई इतना टफ क्यों दे रखा है यार ये मिशन? लकीली प्लेट में रीस्टार्ट करवा रहे तो ये अच्छा है। ओके, उसका मैंने पीछे टर्रेट वाला बंदा उड़ा दिया तो ये बढ़िया हो गया। ओबे भाई निक भी तो है। आई थिंक निक की वजह से मर रहा हूँ मैं। कहाँ है? हुई ना बात, मैं परेशान हो गया हूँ सीरियसली। ये करके ही रहूँगा मैं। भागने के चक्कर में हो रहा है। आउटबाउंड रिटर्न बिफोर रिस्पॉन्स। अबे मैं पहाड़ चला गया। आई थिंक ये सेफ जोन के बाहर लड़ रहा है। वही मैं सेफ जोन के बाहर हूँ यही। अबे भाई ये क्या ग्लिच है, देखना मैं सेफ जोन के बाहर हूँ भाई। अब मुझे निक पे ही भरोसा करना पड़ेगा कि वो ले ले, बस उसको एक दो गोली मारनी है यार। निक भाई मार दे यार, तेरे को एक दो गोली चिपकानी बस उसको। ये क्या हो गया अबे यार। ऐसा क्यों दे रखा है इन्होंने मिशन कि मैप के बाहर ही जाना पड़ जाए। अबे कैसे करूं, फाइट प्लेन नहीं है मेरे पास गधेड़े। मैं गन लेके आ सकता हूँ, मतलब वहां पे एक और प्लेन था गराज के अंदर आई थिंक, मे बी वहां से एक और प्लेन लेके आ जाऊं। अबे मैप के बाहर क्यों जा रहा है वो, ये क्या ग्लिच है भाई। ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या, मुझे लगा वो थ्रू मैप के अंदर अंदर ही गोल गोल घूमेगा वो तो मैप के बाहर जा रहा है जहाँ मैं नहीं जा सकता। अबे भाई साहब क्या ही हो रहा है। प्रॉब्लम ये है मैं चॉपर भी अगर ले लूँगा ना तो चॉपर। अबे भाई रीसेट हो गया, रीसेट हो गया। इससे बेकार बात नहीं हो सकती कुछ। निक तेरे को एक दो गोली मारनी थी यार, तू वो भी नहीं कर पाया। कितना टफ मिशन है यार ये। शिट मैन, इतनी बार ही ट्राई कर रहा हूँ मैं, इतनी बार। ओ भाई निक से टकरा जाऊंगा, मेरे को निक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भागने का सभी चक्कर में हो जाता है। नहीं बच पाएगा तू। बेटा मैं बहुत हो गया परेशान। इसकी मशीन बन गन भी तो कूल डाउन में आ जाती है, प्रॉब्लम ही है अपनी। नहीं छोड़ रहा मैं तेरे को, अब तो मेरा हाथ बैठ गया। इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा हाथ बैठ गया लिटरली। आई थिंक मेरा हो जाएगा। कहाँ पर है? अबे मेरे इंजन पे लग गई। ओके चल गया, चालू हो गया। भाई इंजन बंद हो जाता है तो इंजन में गोली मार देता हूँ। वो बहुत बढ़िया निक, यही तो चाहता था मैं यार। तूने पिछली बार क्यों नहीं किया था ये, मेरा आराम से मिशन हो जाता। धुआं निकल गया है। थोड़ा सा हो गया। बंकर की कैसे लेंगे उससे भाई। बेटा मैं आ रहा हूँ, तेल क्या तेल लेने में आ रहा हूँ। अबे मत मार उसको, मेरे को उससे की चाहिए। मार रहा है भाई इसको। कहाँ भाग रहा है तू, कहाँ भाग रहा है? आ रहा हूँ मैं बेटा, आ रहा हूँ। तेरा हो गया बहुत। यार निक पैतरा एम कहाँ गया? क्या आदमी है, अभी कैसे कितना पॉइंट पे मार रहा उसको एकदम, और पिछले वाले पे मारा ही नहीं जब मैं प्लेन से गिर गया था आउट ऑफ बाउंड। वाह भाई क्या बंदा है ये। यार पिछले वाले पे मार देता, मैं दोबारा ट्राई किया मैंने दोबारा से, और इस बार मैं समझ गया। बेसिकली मेरे को बार बार स्पेस बार दबाते रहना था इंजन इग्नाइट करने के लिए, कोई इंजन बंद हो जाता है ना बीच बीच में। मार इसको, मार 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 मार, मार। What if Joseph is right? Did you ever stop to think about that? Everyone thinks he's crazy, but he's not. Look around you. This world is on the brink. You can feel it in your bones. Look at the headlines. Look who's in charge. You want this key? Because you think you're saving people, but they are already safe. We had a plan. You don't understand. You don't believe. You don't care. May God have mercy on your soul. निपट लिया फाइनली। अब एक दर्दनाक मौत देना चाहता था मैं ऑनेस्टली इसको भाई, इसने बहुत परेशान किया मेरे को। मैं ऑनेस्टली ना अब परमिशन अनलॉक हो गया है यहाँ पे। नाइस। John Seed terrorized this valley for so long. Never thought I'd see the end of him. But you can't pat yourself on the back just yet. Hudson and everyone else trapped in John's bunker need to be rescued. I'll round up whoever I can and meet you there, but you need to go now. There's no telling what Eden's Gate will do to them after all this. की अच्छा इधर ही है बंकर। Okay. अबे क्या ग्लिच हो रहा है, कैसे हिल रहा है गेट, देखना जरा। मैंने ऊपर राय को तो रखा हुआ है, अगर बाहर से बैकअप आएगा तो वो संभाल लेगा है ना। अबे इतने सारे छुपे हुए थे यार, क्या हो रहा है इस एपिसोड में भाई। मैं मर ही जा रहा हूँ, मैं मर ही जा रहा हूँ भाई। या तो ग्लिच से मर रहा हूँ या अनयूजुअल तरीके से मर रहा हूँ, और वैसे तो मर ही रहा हूँ मैं लिटरली भाई। ऊपर से शॉटगन चला रहे सब, मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना, ऊपर से अंधेरा इतना हो रहा है। वो बाद में उन्होंने सब साउंड किया ना, तब मैंने नोटिस किया कि ऊपर भाई दिखा रहा है कि यहाँ बंदे हैं छुपे हुए। क्या यार वो मिनी मैप पता नहीं उन्होंने हटा क्यों दिया। फार क्राई 3 और 4 में तो दिया हुआ था, कितना सही रहता था सीन, इसमें हटा के पता नहीं क्या कर लिया इन्होंने। सही में मिनी कैप लगता है कि मिनिमम चाहिए भाई लिटरली। वो तेरी कैसे बैठा है ये? अबे पीछे से भी आ गए। अबे उधर से मशीन गन चला रहा है। मदद कर भी रहा है। पर्क वगैरह मिल गए काफी, 16 हो गए भाई। Heavy Weapon Master LMG launch a beam thrower, Explosion 29 paid carry mode, Special ammo bag, Heavy ammo bag. यार मैं हेल्थ ले रहा हूँ, मेरी बैंड बजी पड़ी है कसम से, मेरी बैंड बजा दी लोगों ने। ये ना बिना हेल्प के नहीं हो पाएगा, बहुत वो हो रहा है। अच्छा वो मैंने उसको पहले से पॉइंट कर रखा है ना, इसलिए उड़ रहा है वो ऊपर। तो मेन मिशन में नहीं ये पॉइंट कर सकता है, ये तो लास्ट टाइम भी हुआ था। अरे ओके, नीचे ही है, नीचे ही है। अबे भाई भाई मैं परेशान हो रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं शॉटगन क्यों यूज़ कर रहा हूँ भाई, बार बार लोड करना पड़ रहा है। और वो मरा क्यों नहीं एक शॉट में। भाई मैं भी अजीब ही हूँ, मशीन असॉल्ट राइफल है, पता नहीं मैं क्यों शॉटगन यूज़ करने लग रहा हूँ। एक तो हवा में परेशान हुआ मैं प्लेन की वजह से, अब मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ कि मेरे को ये लोग मार रहे हैं मेरे को। ओके मैं गन यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो ये मरा ही नहीं। वाह ये देखो ये शॉटगन से ही मरेगा, पता है ये प्रॉब्लम है। मैं इसलिए शॉटगन यूज़ करने लग रहा था। कौन मार रहा है कहाँ से। एक तो मेरे पास मेडकिट, कभी भी मेडकिट नहीं रहती क्रूशियल टाइम पे। ये देखना सारी गोलियां तो सर के ऊपर से जा रही हैं। भाई मैं ले रहा हूँ LMG, भाग्या तेल लेना है। आरटी से रिलोड नहीं होती रहेगी टाइम टाइम पे, ये चीज़ बढ़िया है। चलो परेशान हो गया हूँ यार मैं, मैं कितनी बार मर रहा हूँ बताओ। भाई मैं LMG कैरी करूँगा बस, और राइफल की जगह एटलीस्ट रिलोड भी नहीं होगी बार बार, और एरो एमओ भी ज़्यादा ही कैरी होगी, और ऐसे भी नहीं कि मैं गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा ऐसे। पहुँच गया आई भाई। ये मैं क्या करूं, भाई इनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। या तो मैं स्टेट्स पे बैठ जाऊं, मैं परेशान हो रहा हूं यार। भाई वो शॉटगन लेके घुस रहे हैं और वो मर भी नहीं रहे जल्दी, क्या यार। मैं सीरियसली मैं रिग्रेट कर रहा हूं भाई नॉर्मल डिफिकल्टी में खेलने में, इतनी बार मर रहा हूं सीरियसली। पिछले अगर तुम मेरी फायर करके सीरीज देखो, मैं इतना मरा ही नहीं कभी भाई गेम में। बहुत डैमेज दे रहे हैं भाई, ये तो हद हो गई। अभी भी यहाँ पे बैठा होगा एक बंदा, मैं जानता हूँ, नहीं देखो मुंह खोल के बैठा होगा। मैंने खुद को भी उड़ा लिया, इतने पास मैंने बम फोड़ा हुआ। क्योंकि ऊपर वो है आप कैसे खेलना मेरे को। मैं ना 2-3 नेट डिप्लॉय कर देता हूँ, ये अच्छा रहेगा। हाँ मैं नेट फेंक देता हूँ ना यार, मेरे पास थ्रोएबल्स है, मैं उनका यूज क्यों नहीं कर रहा। और स्टेट्स भी तो एक ही है ना, तो उनको एक ही तरफ से आना पड़ेगा। ओके यहाँ पे रहता हूँ, एक वहाँ फेंको, एक वहाँ फेंको। आजा। मैं परेशान हो गया। फाइनली भाई कुछ हुआ, ये थोड़ा स्मार्टली खेला मैंने। जाके प्रोग्रेस हो रही है ना यार, अब अच्छा लग रहा है। 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा पक्का ये एपिसोड, 110%। इतनी बार हवा में मरा मैं, इतनी बार यहाँ मर गया, अभी भी होंगे बंदे और है। मार दिया जाए। अरे पागल हो गई है क्या ये? ले अंडरएस्टिमेट कर रही क्या? मैं इतनी बार मर गया, मैं छोड़ दूंगा क्या ऐसे? I thought I was gonna be down here forever. All because of him. Him. That fucking piece of shit. He would come down here. And he would just stand there and watch. We were begging for mercy, and he would just fucking watch. The others. Okay. There were other people down here with me. We are gonna get them out, and then we are gonna burn this whole fucking place down. Help me, or stay out of my way. Come on, we gotta get to the control room. It's the only way we can unlock the rooms and free the others. Freeing a town's off the bucket list. I can't wait to go up and see you. कितना टाइम लगा रही है भाई? हम यहीं से आए थे, ये दरवाजा बंद। हाँ वही ना, ये देखो, इसको देखो। यहाँ पर एक गेट था जो मैंने मिस कर दिया, ये रहा। अबे खुल जा भाई। ये देखा, ये हैवी वाला बनता है, आर्मर से मरता नहीं है। इसका आर्मर ठीक है ना, ये शॉटगन से ही मरेगा। यही प्रॉब्लम है कि उनको बार पर स्विच करना पड़ता रहता है। ओके सर्च, ये डिस्ट्रॉय करना है ना बेसिकली। अबे ब्लो करना है। फाइलों में बुला रही ना ऊपर। वहाँ खराब है तुम लोगों का, मेरा भी तो वहाँ खराब है। ओके क्लाइम करने को बोल रहा है, अच्छा समझ गया कि ऐसे। Evacuate in an orderly manner. Damn it! Safeguarded against the global lock release. Ah, I'll have to do one section at a time. Emergency. Oh, that's not a bad idea. Rooks, keep climbing. When you get near the top, you'll come to a room where the cult stores all their fuel and bliss tanks. System failure. दिमाग खराब कर। वहीं पे रहे। Evacuation. That's it. Shoot the fuel tanks. शूट पे क्या व्हील टैंक? Destroy the police containers. अच्छा। और अब पॉपरे Smoke detected. Carbon monoxide detected. Go! Get the fuck out of there! Now! The whole place is gonna go! Wow, ये मेरे को आठ बार मार रहा है। भाई इतने ही बंदे कैसे मारूं बताओ, मेरे को लग ही रहा था मरने वाला हूं मैं, इतने सारे बंदे आ रहे हैं, जगह एक्सप्लोड हो रही है और लोगों को लड़ाई करनी है, बताओ अब मेरे को वही एक एक करके मारना पड़ेगा इनको कवर में रह के। यार ये तो बहुत वो चीज़ है यार कसम से। इतनी बार मर गया हूँ मैं, काउंट नहीं कर पा रहा हूँ सीरियसली, मेरे को बहुत कट लगाना पड़ेगा बीच में, तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा। ये देखो इसको देखो, तो लग रहा है इसको देखा नहीं है। stab with it. Above you! Come on! Come on, deputy! We're right above you! They're trying to escape! Check the silo! Hook onto the skids! भाई हेल्प ही कर देते, मेरी हालत खराब हो रही है वहाँ पे। कितनी बार मर गया भाई, ये पक्का 1.5 से 2 घंटे का एपिसोड बनेगा ये। अरे यार पोलैंड वैली रीजन लिबरेटेड, पूरा हमने कर दिया लिबरेट फाइनली। Something back we thought we'd never have again. Hope. Whatever happens next, we're with you. Hey. That was a hell of a job, Brooke. The way I see it, you're the one in charge now. And if you ever need anything, just let me know. इसकी प्रॉपर्टी चालू ही है भाई। My brother John was loved by few, feared by many, misunderstood by all except me. उसको मारना ही था, उसकी हरकतें ऐसी थी। John was not born a monster. He was just a child when our family was torn apart. He was loving, kind, full of joy. He was easily preyed upon. John was not perfect. And sometimes he was not even good. But he was my brother, and those responsible for his death will be punished. I promise you that. That's the last of them. Great job, Deputy. You just did some serious damage to the cult's firepower. I'm talking irreversible. Cults can be a lot more careful knowing they've been neutered. That ought to help the resistance. 400 रुपए मिले बस, रीजनल लिबर्टेड बोनस बताओ, क्योंकि मैं मर गया ना इतनी बार। आई थिंक इस वजह से लाइट देम अप कंप्लीट। अच्छा वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा क्योंकि मैं लिबरेट कर लिया ना बेसिकली। तो कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। ओके तो मैं चाहूँ तो भी मिशन कर सकता हूँ बेसिकली, राइट? कुछ इम्पोर्टेंट मिल सकता है उसमें से। ये देखो विंड मेकर ये खुल गया। ये मैं वो तब भी कर सकता था जब मैंने वो मेन क्वेस्ट करी थी यहाँ पर जो थी कॉलेज में, उसके बाद ही ओपन हो गया था। ये तो मैं कर लूँगा, एक्वायर कर लूँगा, इसमें तो कुछ वो नहीं है। मैं एक दो क्वेस्ट देखूँगा ट्राई करके कि उसके बाद मुझे उसमें से क्या मिलता है। आई थिंक रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं मिलेंगे लेकिन पैसे मिलेंगे। अब आई थिंक हम ये वाली लोकेशन कर सकते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर अब ये वाले रीजन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? और ऑफलाइन बैठ के 1-2 क्वेस्ट मैं और कर लूँगा इसमें से। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू।